हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से आप लोग को मेरा एक नया वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने देख सकते हैं तीन कटिंग वाले बोर्ड का वायरिंग यानी कनेक्शन करेंगे। आप लोग को दिख रहा होगा इसका किस तरह से वायरिंग किया जाता है, किस तरह इसका कनेक्शन करेंगे, सारी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बनाएंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो टाइम को बिना बेस्ट करते हुए हम जो है कम से कम टाइम में आप लोग को बोर्ड वायरिंग करने सहेंगे तीन करने। सबसे पहले हम लोग का बोर्ड में जो है एक 5-pin सॉकेट है जो कि चार्ज और भी कुछ करने के लिए लगाया जाता है बोर्ड में। अधिकतर तो लोग इसमें चार्ज ही करते हैं 5-pin सॉकेट में। और दो हम लोग का स्विच है, एक से हम लाइट का कनेक्शन निकालेंगे और एक से इससे हम इस 5-pin सॉकेट में लाइन देंगे। किस तरह से इससे जैसे स्विच को ऑफ से ऑन करें, जैसे ऑफ से ऑन करें तो इसमें लाइन आ जाना चाहिए। तो हम इसका वायरिंग यानी कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम लोग का जो है बोर्ड में काम है दोनों स्विच के नीचे वाले कनेक्शन से एक वायर को हम सबसे पहले बाहर निकाल देंगे। सबसे पहले हम लोग का बोर्ड में क्या काम रहा हम आपको बता रहे हैं कि दोनों स्विच के देख सकते हैं हम लोग का दोनों स्विच हुआ, तो दोनों स्विच के ये नीचे वाला कनेक्शन हुआ तो नीचे वाले कनेक्शन से एक वायर को हम पहले बाहर निकाल देंगे। इस तरह से आप लोग को जो एक वायर को ले लेना है। इस तरह से देख सकते हैं हम यहाँ तांबा को निकाल दिया है। इस तरह से आप लोग को एक वायर को ले लेना है और दोनों स्विच के नीचे वाले कनेक्शन से एक वायर को पहले हम बाहर निकालेंगे, उसके बाद फिर हम बोर्ड का जो अगला काम करेंगे। तो पहले हम जो एक वायर को ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं। इस तरह से आप लोग को एक वायर को यहाँ डाल देना है। वायर थोड़ा सा मोटा है, इस तरह से एकदम पूरा फिटिंग होगा, आपको दिख रहा होगा। पूरा अच्छी तरह से इसको टाइट कर लेना है स्क्रू को, ताकि आगे चल के आप लोग का बोर्ड जो है डिस्टर्ब ना करें। हम आपको जूम करके क्यों दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। हम दूर से भी दिखा सकते हैं, आप लोग को हम जूम करके दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा। तो इस तरह से दोनों स्विच के नीचे वाले कनेक्शन से एक वायर को इसको हम बाहर निकाल दिए। अब हम लोग का बोर्ड में दूसरा काम क्या रहा, इस तरह से आप लोग को जो है एक वायर को लेना है, देख सकते हैं इस तरह से तांबा को निकाल लेना है, आप लोग को दिख रहा होगा। इस तरह से एक वायर को लेना है बोर्ड का हम लोग का पहला काम। और दूसरा काम क्या करना है कि स्विच के इस स्विच से हम लोग इस वाले बटन से इस 5-pin में हम लोग कनेक्शन देंगे, इस सॉकेट में कनेक्शन देंगे इस स्विच से, तो इसी स्विच के ऊपर वाला कनेक्शन ये देख सकते हैं, ये हम लोग का ऊपर वाला कनेक्शन हो, ये नीचे वाला कनेक्शन हो। तो ऊपर वाले कनेक्शन के यहाँ से एक वाले और 5-pin सॉकेट के जिस तरफ L लिखा हुआ है, देख सकते हैं इधर L लिखा हुआ है, इस वाले स्विच के ऊपर वाले कनेक्शन से 5-pin सॉकेट के L वाले साइड में एक वायर को इस तरह से डाल देंगे, देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग को कर लेना है। तो अगर आप लोग अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिए। अधिक नहीं, हमको 500 लाइक चाहिए आप लोगों से, कोई 5 या 10 या नहीं, बस 500 लाइक आप कर देते हैं तो बहुत ही आप लोग के आभारी बन के बना हुआ रहूँगा आप लोगों का। तो इस तरह से देख सकते हैं एक बार को हम यहाँ डाल देते हैं। देख सकते हैं हम क्या किए, इस तरह से डाल दिए। अब हम लोग का क्या बोर्ड में दो फेस होता है, आप लोग को पता होगा कि बोर्ड में जो हम लोग का दो फेस लगता है, तो एक फेस का लाइन हम लोग का क्लियर हो गया। अब दूसरा फेस का हम लोग लाइन खास नहीं लगेगा। दूसरा फेस का लाइन यहाँ देख सकते हैं न्यूट्रल वाले साइड से, यहाँ 5-pin सॉकेट के एन वाले साइड आप लोग को दिख रहा होगा, एक तरफ एल लिखा हुआ है, यहाँ साफ साफ आप लोग को देख सकते हैं, एक तरफ एल लिखा हुआ है 5-pin सॉकेट का और एक तरफ एन लिखा हुआ है। तो 5-pin सॉकेट के एन वाले साइड से एक वायर को बाहर निकालेंगे। इस तरह से हम ब्लैक वायर को पहले एक वायर को 5-pin सॉकेट के एल वाले साइड से बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से एक वायर को हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो हम लोग का बोर्ड जो है फाइनली बनके तैयार हो गया। ये दोनों वायर हम लोग का जो है ब्रे बोर्ड में जाके कनेक्ट होगा। किसमें होगा, ब्रे बोर्ड में जाके हम लोग का ये दोनों वायर कनेक्ट होगा, यानी मेन तार में जुड़ सकते हैं या फिर बोर्ड से जो वायर आएंगे उसमें जाके दोनों तार को हम जुड़ सकते हैं। इस तरह से हम लोग का बोर्ड का वायरिंग हो गया। लेकिन अभी भी हम लोग का क्या एक स्विच बचा हुआ है, ये वाला स्विच, क्योंकि इस स्विच से हम इस सॉकेट में तो कनेक्शन दे दिया, अभी इस वाले स्विच का हम लोग कनेक्शन निकालना। तो इस स्विच का हम लोग कनेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि ये मेरे हाथ में देख सकते हैं एक होल्डर और एक लाइट है, इस तरह से इसका दो वायर निकला हुआ है।
तो इस स्विच में हम जो है इस वाले बटन में जो है हम इस लाइट को सेट करेंगे, इस वाले स्विच में इस लाइट को हम सेट करेंगे। तो क्या करना होगा कि इस स्विच से हम अगर क्या करेंगे, हाँ इस स्विच से हम इस लाइट को कनेक्शन करेंगे। भाई आप लोग के सामने इसी स्विच के ऊपर वाला कनेक्शन हम लोग का बचा हुआ है, देख सकते हैं हम लोग, ये नीचे वाला कनेक्शन हुआ या ऊपर वाला कनेक्शन हुआ, तो ऊपर वाला कनेक्शन हम लोग का बचा हुआ है। तो स्विच के ऊपर वाला कनेक्शन में एक वायर डालेंगे यहाँ इस तरह से लाइट का, चाहे आपका लाइट कहीं भी हो इस तरह से दो तार आएगा होल्डर से। तो इस तरह से जो है स्विच के ऊपर वाले कनेक्शन में एक वायर को डालेंगे और एक वायर को जो है हम लोग यहाँ एन वाले साइड में, न्यूट्रल वाले साइड में डालेंगे, क्योंकि इस वाले यानी रेड वाले तार से तो इसमें लाइन आ जाएगा। इस स्विच को देख सकते हैं, या रेड वाला तार लाल वाले तार से तो इसमें लाइन आ जाएगा ऑटोमेटिक, स्विच को जब ऑफ से ऑन करेंगे तो एक फेस का लाइन तो हम लोग कहोगे, अब दूसरा फेस का लाइन हम लोग यहाँ से लेंगे। इस वाले तार का कनेक्शन कहाँ है हम लोग का, 5 पिन स्विच के न्यूट्रल वाले साइड में, तो यहाँ से एक वायर का कनेक्शन निकालेंगे। आप लोग का चाहे बोर्ड जितना भी बड़ा हो और आप जो अपना लाइट का कनेक्शन निकालना चाहते हो, जितना भी बटन हो, तो एक आप लोग को न्यूट्रल लेना है और एक आपको जो बटन से एक कनेक्शन लेना है, जिससे कि हम इसको ले रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग को जो है करना है। तो एक बार हम बटन के ऊपर वाले कनेक्शन में डाल दिए, जो थिन कटिंग वाले बटन हम आप लोग को पर्सनल बता रहे हैं। एक बार हम क्या किए कि स्विच के ऊपर वाले कनेक्शन में डाल दिए और एक बार हम यहाँ 5 पिन स्विच के एन वाले साइड में डालेंगे, देख सकते हैं एन वाला साइड हुआ। आप जो है कलर कोड का यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा कलर कोड में, देख सकते हैं लाल लाल हो गया और जो हम लोग का ब्लैक ब्लैक में चला गया इस तरह से, देख सकते हैं। इसको यहाँ अच्छे तरह से डाल देते हैं ताकि आगे चल के डिस्टर्ब ना करे, यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का बोर्ड जो है फाइनल बन के तैयार हो गया। हम जो है आप लोग को चेक करा देते हैं इसका कनेक्शन हुआ कि नहीं, तो देख सकते हैं हम इस बोर्ड में जो इस बोर्ड का वायर डाल रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ हम जो इस बोर्ड का वायर डाल देते हैं इस तरह से। ये लीजिए हम जो इस बोर्ड का वायर हम यहाँ डाल दिए। अब देखते हैं हम जो इस स्विच को ऑन कर, देख सकते हैं हम लोग का लाइट जल रहा है यानी हम लोग का बोर्ड बन गया। जैसे स्विच को ऑफ कर ऑफ हो गया और स्विच को ऊपर से नीचे करते हैं तो हम लोग का लाइट यहाँ देख सकते हैं आपके सामने प्रूफ है जल रहा है। तो फाइनली हम लोग का बोर्ड बनके तैयार हो गया। तो फिर भी हम आप लोग को और एक बार समझा देते हैं ताकि आप लोग को और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम क्या किए बोर्ड में काम कि दोनों स्विच के नीचे वाले कनेक्शन दोनों स्विच के नीचे वाले कनेक्शन देख सकते हैं, एक तार को हम दोनों स्विच के नीचे वाले कनेक्शन एक तार को ले उसको बाहर निकाल दिए। उसको क्या किए कि इस स्विच से हम इस 5 पिन में लाइन दिए तो इसी स्विच के ऊपर वाले कनेक्शन एक वाले और 5 पिन स्विच के एल वाले साइड में लेकर डाल दिए। इस तरह से हम लोग का बोर्ड में एक फेस का लाइन कंप्यूटर और दूसरा फेस का लाइन हम कहाँ से निकाले, दूसरा फेस का लाइन हम 5 पिन स्विच के न्यूट्रल वाले साइड से देख सकते हैं एक कला वाला तरफ हम निकाले। तो इस तरह से हम लोग का बोर्ड बन के तैयार हो गया। अब हम जैसे कि इस लाइट का कनेक्शन जो है इस वाले लाइट का, तो इसी लाइट का एक वायर हम स्विच के ऊपर वाले कनेक्शन, जैसे कि इस स्विच से हमको कनेक्शन देना है तो इसी स्विच के ऊपर वाले कनेक्शन से यहाँ से एक वायर लिए और क्या किए कि एक बार हम 5 पिन स्विच के एन वाले साइड में लेकर डाले। इस तरह से हम लोग का बोर्ड फाइनली बनके तैयार हो। तो जो जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अधिक नहीं 500 लाइक चाहिए आप लोगों से। तेज़ अपना जो वीडियो समाप्त करते हैं।